नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। पिछले कई महीनों से आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय को बहुत करीने से निशाना बनाने की कोशिश की गई है, और ज्यादा पुराना हम नहीं जाते। अगर आप शोभा यात्रा को देखें, उस दौरान जिस तरीके से हमले हुए उसकी वजह से सामाजिक तनाव बढ़ा। लेकिन पिछले दिनों दो मुद्दे खासतौर पर बड़े महत्वपूर्ण हुए। पहला मुद्दा था ज्ञानवापी का और दूसरा था कृष्ण जन्मभूमि का। ज्ञानवापी के सवाल को लेकर कोर्ट के अंदर मामला गया और अभी मामला जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है। वो उस पर फैसला करेंगे कि दरअसल वहां पर हिंदुओं को प्रार्थना की, आराधना की इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पूरे इलाके की वीडियोग्राफी की गई, उसने कई सवाल खड़े किए हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो टिप्पणी की है वो भी अपने आप पे बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा है कि असर्टेनमेंट ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस इज नॉट बार्ड बाय रिलीजियस एक्ट 1991। उसके बाद से ऐसा लगता कई इलाकों में, कई जगहों पे, कई मस्जिदों के आसपास जो है वो पिटिशंस दाखिल हुई और ये दावे किए गए कि दरअसल वहां पे वो हिंदू मंदिर था या हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद को बनाया गया है। इस बीच आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक महत्वपूर्ण बयान आता है। मोहन भागवत ये कहते हैं कि दरअसल हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञानवापी के मसले पर एक तरीके से जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, उसकी संस्तुति भी करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि इतिहास को बदल नहीं सकते, और ये भी कहते हैं कि जो मुसलमान भाई हैं उनकी अपनी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन वो यहीं के रहने वाले हैं। अब ये एक महत्वपूर्ण बयान है जो आरएसएस के प्रमुख के यहां से आया हुआ है। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि ज्ञानवापी के बाद अब किसी और मस्जिद और मंदिर के सवाल को नहीं खड़ा किया जाएगा? क्या आरएसएस ये संदेश दे रही है कि अब तक जो कुछ हो चुका अब उसके बाद कुछ और नहीं किया जाएगा? आखिर आरएसएस के प्रमुख का इस बयान का मतलब क्या है? इन तमाम मसलों बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय जी, जिनकी किताब आरएसएस आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। उन्होंने बहुत पहले, करीब 2 साल पहले किताब लिखी है। उनसे हम बातचीत करेंगे। नीलांजन दा, ये जो मोहन भागवत का बयान है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो सारे मसलों पर ठंडक पहुंचाने के लिए उन्होंने यह बयान दिया है? नहीं, मेरे ख्याल से हम लोगों को इसको, ये जो बयान है, इसको संघ की जो पास्ट ट्रेडिशन है कि हमेशा दो स्वरों में बात की जाती है। एक स्वर पे जिसको परसीव किया जाता है, जो हमारे पत्रकारिता में हेडलाइन पॉइंट बन जाता है। तो हेडलाइन पॉइंट तो ये बन गया कि हर मंदिर में शिवलिंग क्यों ढूंढना। उसका मतलब है कि हम लोग इमीडिएटली परसीव करें। हम लोग दरअसल इस मानसिकता से गुजर रहे हैं कि हम लोग व्याकुल हैं कि संघ से कोई ना कोई तो बोले कि भाई इसके बाद हमें और कुछ नहीं चाहिए। यही हम लोगों को लगा था अयोध्या के मामले में भी, जब लोगों ने कहा था कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जमीन दे दी है, राम मंदिर वहां बनेगा, उसके बाद आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी दिसंबर 2019 से लेके अगस्त 2020 तक, उसके बीच में कई डेवलपमेंट्स होते रहे, लेकिन हर बार लोग यही बोलते रहे कि बस ये हो जाए, उसके आगे कुछ नहीं होगा। और फिर हुआ कि भूमि पूजन भी हो गया। भूमि पूजन के समय याद है कि हम सब लोगों ने कंक्लूड किया था कि शायद जो मोदी जी का जो भाषण है उसको भी याद करिए, तो वो एक तरह से ये संकेत दे रहे थे कि अब ये पूरा मंदिर मस्जिद जो विवाद है, जो हम पिछले 35-40 साल से जो आंदोलन करते आए हैं, ये इसका फुल स्टॉप होगा, इसका एक क्लोजर होगा, ये हम लोगों को सेंस लगा था। उस वक्त भी हम जैसे लोग थे, मेरे जैसे लोग थे, हम लोगों ने इसको बहुत ही स्केप्टिकली देखा था, क्योंकि किसी भी चीज को बारे में जिस तरह से कहा जाता है उसमें ओपनिंग्स रह जाती है। तो शिवलिंग ढूंढना जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं संघ का कोई कार्यकर्ता अगर कल बोले कि मथुरा में तो शिवलिंग हम ढूंढ भी नहीं रहे, हम तो वहां कृष्ण जी की मूर्ति ढूंढ रहे हैं। भागवत जी ने तो उसी भाषण में कहा कि हमारे तो 33 करोड़ देव देवताएं हैं, तो 33 करोड़ में से किसी भी चीज को कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं। साइमल्टेनियसली देखिए कि जैसे एक तरह से हिंदुत्व फिल्म और हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है,
जी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में आपने कोर्ट केस का जिक्र किया, ऑलरेडी 3 या 4 लेयर्स में कोर्ट केसेस चल रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी केस डाल दिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन 5 महिलाओं ने कि जी वो जो मिला है उसको हमें पूछने का भी इमीडिएट मौका दीजिए, और कोर्ट ने इसको फास्ट ट्रैक में डाल दिया, शायद इसकी जजमेंट पहले आ जाए, जो ओरिजिनल मेंटेनेबिलिटी की जो जजमेंट जो केस है जी। उसके खिलाफ जो मुसलमान जो जो मस्जिद कमिटी का जो केस है उसमें जजमेंट आने के पहले अगर आप अलाउ करने की इसकी पूजा शुरू हो सकती है, तो आप तो रिपीट कर रहे हैं जो अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में क्या हुआ था, मस्जिद बिल्कुल फुली फंक्शनल थी, December 22-23 की रात तक अचानक अंधेरे रात में जाके कोई मूर्ति रख देता है, सुबह बोलते हैं कि रामलला प्रकट हो गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो मूर्तियों को हटाता नहीं और दोबारा से मतलब मुसलमानों को रेस्टोर नहीं करते मस्जिद। तो वही चीज अगर आप ऑलरेडी ज्ञानवापी मस्जिद में डिक्लेयर कर चुके हैं कि कुछ जो शिवलिंग मिले हैं, तो ये सब चीजें तो मैटर ऑफ फेथ है, तो अगर हमारा विश्वास है कि वो शिवलिंग ही है तो हम क्यों उसकी टेस्टिंग कराएं। साइमल्टेनियसली सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में, जिसके जिसके पिटिशनर मतलब एक लीड पिटिशनर भारतीय जनता पार्टी के ही पार्टी है। ताजमहल पे केस हुआ था अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो किसने फाइल किया, वो भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के मीडिया कोऑर्डिनेटर थे। कुतुब मीनार पे केस चल रहा है, धार के भोजशाला पे केस चल रहा है, दोबारा से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस दे दिया गया है, मैंगलोर में भी एक केस चल रहा है, एक नई मस्जिद थी वहां पे ना कोई शिवलिंग ढूंढा जा रहा है ना कोई मूर्ति ढूंढी जा रही है, लेकिन उन्होंने उसमें मस्जिद के रेनोवेशन के समय अचानक किसी ने एलिगेशन लगा दिया कि इसके नीचे से हमें तो मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, इसके एविडेंसेस मिल रहे हैं। भोपाल में जो जामा मस्जिद है उसके बारे में भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बयान है, और दूसरा जो है फील्ड में जो एक्टिविटी हो रही है उससे, तो पॉलिटिकली हम लोग जो बोलते हैं ना कि बहुत क्राफ्टी स्पीच है मोहन भागवत जी, अगर आप हम ध्यान देंगे तो मतलब पिछले कई सालों से 2018 ऑनवर्ड्स वो स्पेसिफिकली बोलते आए, वो हमेशा एक तरह से इंक्लूसिविस्ट नेता के तौर पर पेश आए हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर मुसलमान नहीं रहेंगे तो हिंदुत्व ही खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान में मुसलमानों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान में जो इस भाषण में इन्होंने कहा ओटीसी के कंक्लूडिंग भाषण में, उसने उन्होंने वही जो संघ की जो पुरानी अवधारणा है मुसलमान और जो हिंदुस्तान की जो मिडिवल पास्ट है उसके बारे में उसको सत्य के तौर पर पेश किया। संघ परिवार पूरी तरह से ये निगेट करती है कि इस्लाम हिंदुस्तान में सबसे पहले ट्रेड रूट से आया था 7वीं-8वीं शताब्दी में, लेकिन उस पूरे 300-400 साल के इतिहास को बिल्कुल वाइप आउट करके सीधा आ जाते हैं 12वीं शताब्दी में, और फिर वो 12वीं शताब्दी से होके मतलब हजार साल से होके वो जो मोदी जी का जो फेवरेट बयान है 1200 साल की गुलामी। तो इतिहास जो है, इतिहास में सब कुछ अपना है सिवाय इस 1200 साल के, सिवाय 1000 साल। मुझे इस चीज को लेके, क्योंकि इसको नेगेट नहीं किया है, तो मुझे उतना ज्यादा एंथुजियाज्म और फिर बहुत ऑप्टिमिज्म नहीं नजर आता है भागवत जी के भाषण में। बट इस बयान में उन्होंने कहा है कि हमें रोज नए मुद्दे नहीं खड़े करने हैं, और क्यों नए झगड़े खड़े किए जाएं? ये जो बयान है शिवलिंग के अलावा, जिसका अंग्रेजी में है कि वी शुड नॉट ब्रिंग आउट अ न्यू मैटर डेली, वाई शुड बी एस्केलेट डिस्प्यूट, यानी रोज नए मुद्दे नहीं खड़े करने हैं, नए झगड़े नहीं खड़े करने हैं, इसका मतलब ये है कि जो झगड़े बार बार खड़े करने कोशिश की जा रही, चाहे शिवलिंग के बहाने चाहे दूसरे और दूसरे के बहाने, उस पर एक तरीके से फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं या अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश करें, लेकिन आप इन सब चीजों को लेकर स्केप्टिकल हैं। नए मुद्दे कहाँ हैं? 1959 में आरएसएस ने अखिल भारतीय इनकी जो प्रतिनिधि सभा थे ABPS जो बोलते हैं, इन्होंने सबसे पहले रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि मध्यकालीन में बहुत से मंदिर हैं जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे कि करके डिस्क्राइब किया जाता है, जिनको हिंदुओं को वापस किया जाना चाहिए, और ये एग्जैक्ट फ्रेजेस मतलब इतना समय हो गया उस रेजोल्यूशन को पढ़े हुए, लेकिन मोटे तौर पर यह था कि विच वर एक्चुअली मिडिवल एरा में जो मुसलमान बादशाह आए उन्होंने बहुत ही ब्रूटली हिंदू मंदिरों को तोड़ा और डिमोलिश किया। अपने जो 2 दिन पहले की जो बयान है उसमें भी भागवत जी ने कहा
कि जो मंदिर को दबाया गया मध्यकाल पीरियड में, वो हिंदुस्तान की आजादी को लोगों से छीनने के लिए किया गया। उन्होंने अपने पूरे जो उनका जो भाषण था नागपुर में, उसको अगर हम लोग देखें तो उसके तीन डिफरेंट सेक्शंस मेरे को अलग से, मैं उसको काफी ध्यान से सुन रहा था। तो एक तो उन्होंने डाइवर्सिटी की बात की, बहुत एम्फेसाइज किया, लेकिन डाइवर्सिटी में एक समस्याएं क्या आती है कि उनकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। वो डाइवर्सिटी की तो बात करते हैं लेकिन सब कुछ बोलता है, लेकिन सब कुछ जो है प्राचीन धर्म से जाके जुड़ा हुआ है, और ये धर्म जो है ये हिंदू धर्म नहीं है, ये हम सबका धर्म है। मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत अल्पसंख्यक हैं जिनको धर्म शब्द को, और बोलना का कि ये धर्म जो है ये हम हिंदू धर्म की बात नहीं करें लेकिन ये हम सबका धर्म की बात करें, तो ये जो डेफिनेशन है ये प्रॉब्लमेटिक है। ये मेरे को भी काफी अनएक्सेप्टेबल लगती है। इसके बारे में बात करना, बहुत ही विस्तार में बात करना पड़ेगा, तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। सेकंड जो बात की उन्होंने, उन्होंने ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद और बाकी मंदिर मस्जिदों की बात की, और तीसरी बात उन्होंने मतलब मुसलमानों के बारे में बात की, वो मुसलमानों को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। उनके हिसाब से भागवत जी ने कहा कि मुसलमान जो है वो भी तो आखिरकार हमारे ही लोग थे, इनके पूर्वज जो है उनको कन्वर्ट कर लिया गया। एक तो इनका ये थियरी है कि फोर्सिबल कन्वर्शन हुआ था, जिसके बारे में हिस्टोरिकली डाउट्स हैं कि कितने कितने कन्वर्जन्स फोर्सिबली किए गए थे और कितने बाय चॉइस किए गए थे, क्योंकि हिंदू समाज में जो स्थितियां रही होंगी उस समय, उसकी वजह से उनको लगा हुआ कि दूसरे धर्मों के ऑप्शंस को भी हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये तमाम जो तीनों जो सेक्शन है, इनमें हर एक में कोई ना कोई प्रॉब्लमैटिक है। सिर्फ बोल देना कि एक तो एक तरह से वही है, मतलब एक शब्द को इस्तेमाल करें तो ये जुमला हो गया कि हर जगह हमको शिवलिंग ढूंढने की क्या जरूरत है। अगर हमको, भागवत जी ने ये भी कहा कि हमको पता है कि मतलब कहा जाएगा, उन्होंने कहा कि कानून, नेगोशिएशंस और संविधान। नेगोशिएशंस क्या होते हैं कि वहां मंदिर था अयोध्या पे, हमने देखा नेगोशिएशन शुरू होते थे, मंदिर वहीं बनेगा। तो क्या मंदिर वहां नहीं बनेगा जहां पे आज ज्ञानवापी मस्जिद है, बोल दें एक बार भागवत जी, तो फिर नेगोशिएशंस करने की कोई गुंजाइश बनती है। संविधान, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे क्या पोजीशन है आपकी, क्या आप भारतीय जनता पार्टी के नेता को बोलेंगे कि जी आप इसको जाके विड्रॉ करें, क्या भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट को जाके बोलेगी कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है इसको रिपीट करने की, हम आपके 2019 के वर्डिक्ट को मानते हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक कैरेक्टर को एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है। कानून के बारे में कि हम कानून के फ्रेमवर्क में रहेंगे, 92 में हम सबको पता है कि उन्होंने कोर्ट के अलग अलग लेवल्स पे आश्वासन दिया था कि हम बाबरी मस्जिद को डिमोलिश होने नहीं देंगे और सिंबॉलिक कार सेवा करके आएंगे। तो उसका क्या, तो पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से क्या आपको कॉन्फिडेंस आता है कि जो मोहन भागवत जी ने बोला ये इनके जो तमाम लोग हैं ये उसका पालन करेंगे, या फिर बनारस में भी ज्ञानवापी मस्जिद ढह जाने के बाद में वो बोलेंगे कि इट इज द सैडेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, जैसे अडवाणी जी ने 92 में कहा जी। तो किसी भी इंसान के इस बयान को, उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड को देख के तभी हम उसे कॉन्फिडेंस या स्केप्टिसिज्म ड्रॉ कर सकते हैं। बट नीला जदा, एक सवाल यह महत्वपूर्ण ये है कि आरएसएस के सरसंघ चालक, अगर आप कहते हो बाला साहब देवरस थे जब 1973 में उन्होंने जब ये एक प्रस्ताव रखा था कि जो आरएसएस है इसको दूसरे धर्मों के लिए भी खोल दिया जाए, तो उनका बड़ा खुला विरोध हुआ था, और उस वक्त ये कहा गया था कि अगर आप उस तरीके का आरएसएस बनाना चाहते हैं तो आप अपने एक अलग आरएसएस बना लीजिए, और कई साल लगे जब आरएसएस के दरवाजे वाकई खुले। ऐसे में अगर इसका मतलब कहने का ये है कि आरएसएस के अंदर अगर कोई बयान दिया जाता है तो एक तो बहुत सोच समझ के दिया जाता है, और दूसरा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कहीं इसका असर आरएसएस की एकता के ऊपर ना पड़े। तो लेकिन मोहन भागवत 1918 के बाद से जिस तरीके की बयान दे रहे हैं वो अपने आप में बहुत करेजियस नहीं है कि जब वो कहते हैं 2018 में कि भाई बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है, ये एक ऐसा बयान है जो बहुत बोल्ड माना जाना चाहिए। तो आप पूरे उनकी जो उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनके जो स्टेटमेंट्स है, उसको बहुत स्केप्टिसिज्म के साथ आप लेते हैं, क्यों ना माना जाए कि दरअसल वो वाकई में आरएसएस की जो एक छवि बनती जा रही है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं और शायद उसमें कामयाब नहीं हो रहे। मुझे इस पे
डाउट इसलिए है क्योंकि उनके अपने बातों में ही बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाई देते हैं। जैसा कि उनका ये पूरा एम्फेसिस है इसी भाषण में, नागपुर के भाषण में, बार बार हमारे पास्ट में जाना और कहना कि हम सब लोग जो हैं उसी सनातनी धर्म से हैं। अब मान लीजिए फॉर अ मोमेंट आप अपने आप को कल्पना करके देखिए कि आप हिंदू नहीं है, ठीक है, मतलब मैं एग्नोस्टिक हूं, लेकिन तब भी मतलब मेरे अंदर हिंदू वैल्यूज हैं क्योंकि मैं उसी उसमें से बड़ा हुआ। मान लीजिए मेरे अंदर हिंदू वैल्यूज नहीं होते, मान लीजिए मेरे अंदर मतलब क्रिश्चियन वैल्यूज होते और मेरे अंदर, या फिर मेरे अंदर मतलब इस्लामिक वैल्यूज होते, तो क्या कोई अगर मुझे बोलता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक या कोई भी और नेता के जो लोकल जो हमारे मोहल्ले में जो रहते हैं वो आके बोले कि साहब आप सनातनी धर्म वाले हैं, तो क्या मैं एग्री करता? क्या मुझे घबराहट नहीं होती कि आज मुझे बोल रहे हैं कि आप सनातनी हैं, आप अपने घर में अपना नमाज पढ़ लीजिए, ऑलरेडी आपको पब्लिक में नहीं करने दिया जा रहा नमाज, आपको पता ही है कि किस तरह से जुम्मे की नमाज को लेकर किया जा रहा है। तो एक तरफ तो रैंक एंड फाइल के तरफ से कंसर्टेड कैंपेन है कि मुसलमान और क्रिश्चियन किसी तरह से अपने आप को इनविजिबिलाइज कर ले, जो कुछ करना है अपने मतलब घर में ताला लगा के अंदर से करें, बाहर आए तो आप सनातनी बन जाएंगे, यही मैसेज है। तो एक तरफ तो ये मैसेज आ रहा है कि जब उनके एक्टिविस्ट कुछ काम करते हैं कि इनविजिबिलाइजेशन फोर्स करते हैं क्रिश्चियंस या फिर मुसलमानों पे, तो उस समय मोहन भागवत क्यों नहीं बोलते कि आप इसके आगे मत होइए। मुझे याद है कि आप कहेंगे या फिर कुछ लोग बताएंगे कि 2015 से अखलाक के मृत्यु के बाद से मुसलमानों की लिंचिंग के खिलाफ मोहन भागवत जी ने काफी कुछ बोलते आए, लेकिन घटना के बाद बोलने से क्या मतलब? क्या आज तक भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में किसी भी नेता के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया जिससे ये कॉन्फिडेंस हो कि जो उनका जो स्टेटमेंट है वही उनका एक्चुअल इंटेंशन है? ये मेरे को एसर्शन और इंटेंशन में मेरे को एक द्वंद्व दिखता है। या इसको दूसरे तरीके से अगर मैं इस सवाल को रखूं या दूसरे तरीके से इसको रिफ्रेज करने की कोशिश करूं कि आरएसएस में एक चालक अनुवर्तित यानी फॉलो योर लीडर, लीडर ने जो कह दिया वो अंतिम बात है और उसको फॉलो कर रहा है अंत में, क्या आज की तारीख में मोहन भागवत की वो स्थिति नहीं रह गई है? ही इज नॉट द अल्टीमेट लास्ट लीडर इन द इन इन पूरे संघ परिवार में, और आरएसएस संघ चालक आज की तारीख में एक बेबस, एक विवश है, क्यों कहते कुछ है लेकिन उसका कोई असर उनके अपनी पार्टी के अंदर, उनके अपने संगठन के अंदर, उनके अपने कार्यकर्ताओं के अंदर, उनके स्वयंसेवकों के अंदर नहीं पड़ती है। क्या ये सच्चाई है या जो बात आप कह रहे हैं कि आप कहते कुछ है करते कुछ है तो आपका इंटेंशन डाउटफुल है? आपने इस बात की शुरुआत में अपने बाला साहेब देवरस का जिक्र किया था। बाला साहेब देवरस के पीरियड में संघ की सबसे ज्यादा ड्रामेटिक ग्रोथ होती थी, हुई है। उसी समय में उन्होंने कास्ट के मुद्दे को लेके जो गोलवालकर की पोजीशन थी उसको डाइल्यूट करके सामाजिक समरसता के पॉलिसी को अपनाया और संघ को हिंदू समाज के जो नीचे दबे के जाति के जो लोग हैं उनके लिए ओपन किया और उनको धीरे धीरे लीडरशिप के पोजीशन में ढकेलने की कोशिश की। ये अभी भी 50 साल बाद स्टिल प्रोजेक्ट इन द मेकिंग है, ये अभी तक हुआ नहीं। बाला साहेब देवरस ने भी एक चालक अनुवर्तित्व का जो प्रिंसिपल था उसको, सिद्धांत जो था उसको उन्होंने छोड़ के अनेक चालक अनुवर्तित्व का प्रिंसिपल को लाने की कोशिश की, एक तरह से कलेक्टिव लीडरशिप इंपोज करने की कोशिश की। इसी वजह से जो सामाजिक समरसता का जो उनका जो 1973 में पूना व्याख्यान माला सीरीज में जो लेक्चर था जो उनका जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसकी वजह से वो करीब 20 साल तक उस पे बस बहस होती रही लेकिन वाकई कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं हुआ। पिछले करीब 8-10 साल में हमको ये देखने को मिल रहा है कि दोबारा से संघ के कल्चर में दो चीजें हो रही है, एक तो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में एक चालक अनुवर्तित्व इंट्रोड्यूस हो गया है पूरी तौर से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इसको लेके कंफ्यूजन है। तो एट द मोमेंट जो है कहना बहुत मुश्किल है कि संघ में मोहन भागवत की बात को कितना सीरियसली लिया जाता है या कितना नॉन सीरियसली लिया जाता है, कहना बहुत मुश्किल है। ये बात हम हमेशा कहते हैं कि संघ में एक मोनोटोन में बात नहीं होती है, उसमें मल्टीपल वॉइसेस को आपको सुनना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि संघ के अंदर भी बहुत डिबेट होती है।
तो इतने डिबेट में जब मोहन भागवत की अगर अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, या फिर हम यूं कहे कि उनके स्टैंडिंग के ऊपर उनके जो बयान है कि उसको फॉलो अप किया जाएगा, उसको माना जाएगा, उस पे अगर प्रश्न चिन्ह है, तो हम कैसे मोहन भागवत जी के इस बयान से कि हम हर जगह शिवलिंग नहीं ढूंढेंगे, सिर्फ को चलिए ठीक है फॉर अ मोमेंट हम मान लेते हैं कि शिवलिंग को वो फिगरेटिवली यूज कर रहे हैं, मतलब मैंने जो शुरू में कहा था वो कृष्ण की मूर्ति ढूंढ लेंगे, नहीं चलिए हम लोग मान लेते कि इतना हेयर स्प्लिटिंग ना करें, तो वो बेसिकली बोल रहे थे कि मंदिर मस्जिद का मुद्दे को अब इतिहास में छोड़ दो, क्या गारंटी है कि बाकी लोग मानेंगे, मतलब लीडरशिप से लेकर रैंक एंड फाइल तक। आपके कहने का मतलब ये कि मोहन भागवत एक बहुत ही कमजोर सरसंघ चालक है जिनकी बात नहीं सुनी जाती? नहीं, मुझे ये लगता है कि वो खुद भी मल्टीपल वॉइसेस में बात करते हैं। मैं बार बार इसी 30 मिनट के भाषण पे ही आता हूँ। मैं किस मोहन भागवत की बात को यकीन करूँ? क्या उस मोहन भागवत की बात को याद को बिलीव करूँ जिसमें वो ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के मामले में बात करें, या फिर वो मुसलमानों की समाज में क्या स्टैंडिंग होनी चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर मोहन भागवत की हम उस बात को माने कि जिसमें वो इस्लाम को सिर्फ 12वीं शताब्दी से विदेशियों की के द्वारा लाया गया धर्म, और वो भी एक क्रूएल हिंदू समाज को दबाने की, उनके शब्दों के हिसाब से हमारी आजादी छीनने के लिए मंदिर ध्वस्त किए गए, इस पर तो कोई हिस्टोरिकल यूनानिमिटी नहीं है। सब मानते हैं कि ठीक है औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया, लेकिन उसके पीछे उनका मोटिवेशन क्या था, इस पे कोई हिस्टोरिकल यूनानिमिटी नहीं है। तो वो जो उनकी सोच है, जो उन्होंने कहा कि इसके बारे में काफी समय से चलता रहा, 1959 में सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रेजोल्यूशन आया था काशी विश्वनाथ मंदिर पे और ज्ञानवापी मस्जिद को हटाने के लिए, तो वही है कि बहुत लंबे समय से डुअलिटीज हम लोगों को बार बार इनके नैरेटिव्स में दिखती है। मतलब आप इस थ्योरी को नहीं मानते जो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जो उनका कहना है कि आरएसएस बहुत बदल गया है, अब आरएसएस जो है वो आरएसएस नहीं, वो कट्टरपंथ नहीं है, इसीलिए मोहन भागवत जो है वो मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, वो देवबंद जाते हैं, वो जमैत उलेमा हिंद के लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों के साथ आउटरीच करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक जो आरएसएस को लेकर जो छवि बनी हुई है उसको तोड़ने की भी कोशिश करते हैं। आप इस बात से सहमत हैं? आपको लगता है सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है या फिर एक ऑप्टिक्स का मामला है? नहीं बिल्कुल, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक में तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, एक एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तो कोई मुसलमान नहीं है, महिलाएं भी नहीं है, उन लोगों के लिए एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है। मुसलमानों को भी किस तरह से परिभाषित करते हैं कि वो एट द एंड ऑफ इट वो हिंदू सनातनी है, हिंदू, हम ये नहीं बोल रहे कि वो हिंदू धर्म है, क्योंकि यहाँ पे हमको उनके हिसाब से सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से हमको ये हिंदू शब्द को सेग्रीगेट करने की जरूरत है। तो आप हिंदू हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप इस्लाम को भी मान सकते हैं, आप क्रिश्चियनिटी भी मान सकते हैं, मूलतः सब आप लोग इसी देश के निवासी हैं, और चूंकि आप लोग इसी देश के निवासी तो आप सब हिंदू। मुझे याद है, मैं अक्सर मतलब कोट करता रहता हूँ, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया था, ये फरवरी 1993 में हम लोगों के बहुत वरिष्ठ पत्रकार होते थे, मतलब हैं अभी भी, जय दुबाशी साहब, जो उस समय इंडिया टुडे में काम करते थे और वो भारतीय जनता पार्टी के इकोनॉमिक विंग में भी मेंबर थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मंथली वीकली जो ऑर्गन है ऑर्गेनाइजर, तो उसमें उन्होंने कहा था कि काफी सेटिस्फैक्शन की जरूरत है कि हमने बाबरी मस्जिद वाला जो प्रोजेक्ट था उसको संपन्न कर लिया, तो इसके आगे हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा कि हमको इस राष्ट्र का नाम बदल देना चाहिए क्योंकि इंडिया इज अ फॉरेन नेम। तो लोग, आप सब लोग मानेंगे मेरी बात, उन्होंने बहुत ही कन्वर्सेशनल स्टाइल में उस आर्टिकल को लिखा था, तो इंडिया हटाने के लिए तो सब लोग मान जाएंगे, लेकिन क्या अल्टरनेटिव होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि आप लोग मेजोरिटी लोग बोलेंगे कि हिंदुस्तान, लेकिन मुझे उससे परहेज है क्योंकि हिंदुस्तान में मतलब टू मेनी स्थान्स अराउंड, यू नो एग्जैक्टली उनके यही शब्द थे कि आई डू नॉट लाइक इट बिकॉज ऑफ टू मेनी स्थान्स अराउंड। तो आप लोग बोलेंगे कि शायद भारत कर लो, तो भारत तो ठीक है, लेकिन फिर हम लोगों का नेशनलिटी क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि क्यों भारतीय हो सकता है, बोलते भारतीय तो मतलब कई सारे लोगों के सरनेम होते हैं, तो नेशनैलिटी और सरनेम को कैसे हम लोग सिमिलर कर सकते हैं। तो माई बेस्ट सजेशन, उन्होंने एग्जैक्टली इसी तरह से आर्टिकल में लिखा कि हम इस देश का नाम बदल के हिंदू देश करते हैं,
तो हिंदू देश कर दें तो फिर हमारे पासपोर्ट में हमारी नेशनैलिटी होगी हिंदू, तो चाहे लोग पसंद करें या ना पसंद करें, वो जब भी विलायत जाएं, वो चाहे टूरिज्म के पर्पस से जाएं या हज करने जाएं, उनका पासपोर्ट कहेगा कि हिंदू गया वहां ये काम करने। तो अल्टीमेटली गोल यही है। तो उस प्रिंट में इसको मतलब सुनाने का मेन पर्पस ये है कि ये इनकी थिंकिंग है। और जब तक हम पास्ट जो रेजोल्यूशंस, जो फॉर्मल रेजोल्यूशंस हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे और मंदिर जिनको तोड़ के मस्जिद बनाया गया उनको रिस्टोर करना चाहिए हमारी प्राइड को और डिग्निटी को वापस लौटाने के लिए, तो इसका जब तक रेपुडिएशन ना हो तब तक हम कैसे इन बातों को यकीन करें। कम्युनिस्ट पार्टीज में तो आपको पता है ना, स्ट्रेट अवे बोलते हैं कि 1964 की जो ये रेजोल्यूशन 5 थी इसको हमने रद्द कर दिया। यहाँ क्या होता है कि यहाँ मोहन भागवत पब्लिक भाषण में बोलते हैं कि मोहन ये गोलवालकर साहब की बंच ऑफ थॉट्स में कई सारे ऐसे आर्टिकल थे जो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए थे तो उनको हम नहीं मानते। आपको जब जो आर्टिकल आपको कन्वीनियंट लगता है तब आप अपना लेंगे, और जब आपको नहीं लगता है तब आप बोलेंगे कि ये तो मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा था इसको अब हम नहीं मानते। तो ऑफिशियली बोलिए ना, रेजोल्यूशन पास करिए, ABPS रेजोल्यूशन पास करे कि बंच ऑफ थॉट्स में से ये निम्नलिखित आर्टिकल्स को हम लोग एक्सपंज करते हैं कि हम मानते हैं कि गोलवालकर साहब ने गलत बोला, नहीं करते हैं। तो एक वेगनेस रखी जाती है, तो ताकि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, मुद्दा भी है नहीं भी मुद्दा है। मोहन भागवत ये भी बात बोलते हैं, इश्यूज अगर मन में आती हैं तब तो उठेगा ही। मतलब क्या है, इश्यूज अगर मन में आती हैं तो उठेगा ही, तो मुश्किल है। बिल्कुल नीलांजी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नीलांजी जी के कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि जो मोहन भागवत का जो बयान है उस बयान को पूरी तरीके से जो दिखाई पड़ रहा है सिर्फ उतना ही एक्सेप्ट करने से काम नहीं चलेगा। जो कुछ वो कह रहे हैं अगर उनके कार्यकर्ता उस पर अमल भी करना शुरू कर दें और उसको उस पर कड़ाई से अगर कोई आदमी अगर उसका पालन नहीं करेगा, उस पर उसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो, तब तो यह माना जाएगा कि जो मोहन भागवत या संघ प्रमुख कह रहे हैं उनकी बातों में दम है। लेकिन अगर वो कहते कुछ और हैं, उनके अपने कार्यकर्ता स्वयं सेवक करते कुछ और हैं, तो फिर यही माना जाएगा कि आपके कई मुंह हैं और हर मुंह से एक हिसाब से चीजों को कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।